तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष झकम लाल सरायाम कुछ वर्षों के लिए निष्कासित किया है। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष मोनिका शाह भट्टी ने बताया कि झकम लाल सरायाम के द्वारा पार्टी के तोड़ने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, जबकि उन्हें पहले ही जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। झकम लाल सरायाम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका शाह भट्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि ये दोनों पार्टियां अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तोड़ने में लगी हुई हैं। और ये उनको भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि निर्वाचन आयोग खुद ही उसमें आ चुका है कंफ्यूजन में कि चल क्या रहा है ये। तो उन लोगों ने जो पत्र भेजा है कि आप लोग या तो पार्टी फोरम में इसका तय कर लो और या तो आप लोग कोर्ट में। तो मैंने हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे जो एडवोकेट है, मैंने उनसे चर्चा किया। तो हमने सोचा सिविल कोर्ट में इसको काफ़ी कब मैंने सुना कि काफ़ी पीढ़ियाँ गुजर जाती है, तो हम लोग इसका फैसला पार्टी फोरम में ही करेंगे। ये कलेक्टर ने फिर एसपी को भी आदेश दिया। पार्टी फोरम में करने क्या जा रहे हैं?